फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। जी चिकन बिरयानी 3 लोग आराम से खा सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम बासमती राइस लेके पानी में आधा घंटा पहले भिगा दिया है। 750 ग्राम चिकन लेके इसमें 1 चम्मच दही, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा नींबू का रस और 1 चम्मच नमक डाल के मैंने आधा घंटा पहले मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब ये आधा कटोरी दही, 2 मीडियम साइज के प्याज लेके बारीक बारीक काट लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं, इस तरह के स्लाइस काट लिए मैंने। ये कुछ खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता, फूल, हरी इलायची और बड़ी इलायची, 1 टमाटर बारीक काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची जिनको बीच में से चीरा लगा लिया है। ये कुछ सूखे मसाले हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच नमक। चलिए अब बिरयानी की देखिए जी, मैंने लगभग 2 लीटर पानी लेके गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें अच्छा से उबाल आने देंगे, लगभग उबाल आना शुरू हो गया। इसमें मैंने नमक, 1 चम्मच तेल, पुदीने की पत्तियाँ, 2 तेज पत्ते और हरी इलायची डाल के, हरी इलायची डाला था मैंने। चलिए अब गैस ऑन कर लेते हैं। देखिए गैस ऑन कर लिया है। अब इसमें लगभग मैं 150 ml रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं बासमती राइस को डाल देती हूँ। मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको एक कनी चावल में रह जाए जब तक पकाऊंगी, मतलब 70% हमारा चावल लगभग पक चुका होना चाहिए। और इसमें आप एक बार ध्यान रखिए कि नमक हम इतना डालेंगे कि हमारा पानी खारा रहे, ठीक है। चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें जो मैं ऑनियन के स्लाइस डाल के ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई, इसको मैं अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। हमारे जो प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जाने चाहिए। तो चावल में एक बार ध्यान रखिए आप, चावल को हमें बीच बीच में, जो चावल हमारे उबल रहा है उनको चलाना नहीं है, नहीं तो वो चावल टूट सकता है। प्याज को हमें चलाते रहना है, चलाते चलाते ही इसको क्रिस्पी ब्राउन करेंगे। देखिए चावल अच्छे से 75% पक चुका है। अब मैं इसको छान लेती हूँ। 75% मतलब उसमें उसको दबा के देखेंगे तो एक कनी रह जाना चाहिए। अब मैं इसको चलने से छान लेती हूँ। देखिए अच्छे से हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए चावल मैंने छान लिए हैं, एकदम खिले खिले रेशम जैसे चावल बिल्कुल दिख रहे हैं। अब मैं जो पैन में से मैंने प्याज निकाल लिया है उसी बचे हुए तेल में मैंने सूखे मसाले डाल देती हूँ। अब मैं जो उसी में चिकन के डाल देती हूँ। इस चिकन के पीस को हम हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे जिससे जो इनका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। चलिए इसको देखिए, ये हल्के हल्के इसमें गोल्डन स्पॉट्स आने लगे हैं। इसे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे फिर मसाले डालेंगे। ये हल्का गोल्डन ब्राउन इसके स्पॉट आ चुके हैं। इसको हमें ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, हमारा मेन मकसद ये रही है कि इसको हम पका लें। इसको हम थोड़ा हल्का पकाएंगे। इसमें मैं गरम मसाला लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ और बाकी जो सभी मसाले डाल देती हूँ। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी बना रही हूँ,
जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं ये टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ, ये दही भी डाल देती हूँ। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मुझे जो मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किए थे वो डाल देती हूँ, और बारीक कटा धनिया और पुदीना डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी, ये इसको धीमा करके इसके ऊपर हम जो राइस जमा लेंगे। ये प्याज डाल देती हूँ, अभी इसके ऊपर मेरे चावल बचे हैं अभी और डालूंगी। ये धनिया पत्ती पुदीना, अब इसमें मैं बाकी बचे हुए चावल डाल देती हूँ। देखिए चावल जो मैंने अच्छे से डाल दिए हैं, इसके ऊपर मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ, अभी अपनी ऑनियन डाल देती हूँ। जो मैंने ग्रीन फ्रूट कलर ले लिया है उसको मैंने पानी में घोल के डाल देंगे। ये रेड कलर लिया है इसको भी डाल दूंगी। और इसमें दो बूंद केवड़े की डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से ढक देंगे, और ध्यान रखें कि हमारी जो गैस है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, अच्छे से सील बंद कर देंगे इसको, और लगभग 15 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। मैं ये आटे के डो से सील पैक कर दूंगी जिससे हमारी गैस बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहें तो सिल्वर कॉइल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर एक वजनदार चीज रख सकते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद हम इसके ऊपर ये घी डाल देंगे, 2 चम्मच लगभग शुद्ध घी डाल देंगे, और गैस को बंद कर देंगे, ढक्कन ढक देंगे जिससे हमारा घी मेल्ट हो जाए। देखिए जी हमारी बिरयानी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। आप भी इसे बनाइए और सभी लोगों को खिलाइए, और अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।